लेकिन आज हम लोग नहाने जा रहे हैं, खेत में भरे हुए पानी में। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गंगा के पुल पे घूमते घूमते, जैसा कि पिछले ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये पुल बहुत बारीकियों के साथ, और आज भी मैं दिखाऊंगा। हवा काफ़ी तेज चल रही है, ये लगभग 3 से 4 या 3.5 किलोमीटर का ये पुल है। हाँ बताओ भाई, और ये आप लोग देख सकते हैं बैक कैमरे से। अरे बैक कैमरा नहीं चल रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि गंगा में नीचे पानी ज़्यादा नहीं है, सब रेत ही रेत है, पानी बहुत थोड़े थोड़ा है यहाँ पे। पिछली बार जब मैं आया था तो ये पुल से थोड़ा नीचे तक पानी था और गहराई काफ़ी ज़्यादा थी पानी की। पिछली बार इसमें कश्तियाँ भी काफ़ी चल रही थी, काफ़ी लोग नाव में तैर रहे थे, नाव में भी सफ़र कर रहे थे लोग। और वहाँ आप देख सकते हैं आसानी के साथ एक चचा मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक हम लोग चल के आ गए बाइक से, लेकिन अभी तक पुल ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे की मदद से दिखाता हूँ कि आगे कितना पुल बाकी है। ये देख सकते हैं आप लोग बड़ी आसानी के साथ, और ये देखिए कि हमारे पीछे का पुल है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस पुल का शिलान्यास हुआ था। हम यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। कहाँ पे आए घूमने के लिए? बोलो। यहाँ इस पुल पे आके ब्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया